गोचर श्री बाबूलाल जैन जयपुर राजस्थान से अपनी शंका रख रहे हैं। जब आयु कर्म का बंध हो जाता है उसके बाद भी गति कर्म का बंध चालू रहता है या नहीं, यदि रहता है तो उसका क्या औचित्य है? जब हमारा आयु कर्म का बंध बन गया है और जो बद्धमान आयु है उसमें अन्य अन्य गतियों का भी अभी आश्रय हो रहा है, तो आश्रय होगा और उसका उदय भी आएगा। देव पर्याय में जब जाएंगे तो वो स्वमुख से नहीं परमुख से उदय में आएंगी। परमुख मतलब अपने जो बांधी है उस रूप से नहीं, देव गति देव आयु में देव गति का ही क्या हो उदय आएगा, लेकिन परिणाम तत्संबंधी होंगे जिस संबंधी अपन ने बांधे थे। जैसे मनुष्य गति बांधी, त्रियंश गति बांधी और नरक गति बांधी, उस रूप जो परिणाम बांधे थे तो परमुख में भी जब उदय में आएगा तो आएगा तो देवगति नाम कर्म के उदय से, लेकिन उस समय जो जीव के परिणाम होंगे वो तत्संबंधी जैसे गति बांधी थी उस संबंधी उसके उसमें संक्लेश आदि के परिणाम पाए जाएंगे, तो मायाचारी वैसे परिणाम पाए जाएंगे, स्वभाव में मृतता सरलता रूप परिणाम पाए जाएंगे। तो वो गति का बनना भी अनुचित नहीं है, उचित ही है, और वो खराब नहीं जाते हैं पर उदय से आकर के वैसा फल दे करके निकल जाती है। नमोस्तुचर श्री पंकज पाटनी बरा कोटा राजस्थान से अपनी शंका रख रहे हैं। राग स्नेह और वात्सल्य में क्या अंतर है? साधर्मियों से प्रेम करना, धर्मात्मा से प्रेम करना वात्सल्य भाव है। स्वजन परिजन जो परिचित लोग हैं उनसे प्यार करना स्नेह है, और समस्त जगत से राग रूप परिणाम रखना यह है मेरा अच्छा है, ये वस्तु है, इस प्रकार का जो राग का परिणाम है वस्तु और व्यक्ति के प्रति किसी से भी वो राग है। नमोस्तुचर श्री राकेश जैन गांधीनगर इटारसी मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं। अभिषेक करते समय जल की धार एक सी रहनी चाहिए, कलश से जल ले लेकर बार बार अभिषेक करना क्या सही है? भगवान की सभी प्रतिमाओं पर थोड़ा थोड़ा जल धारते हुए अभिषेक करना सही होगा क्या? भक्ति के प्रसंग में इतने विकल्प करना उचित नहीं है। थोड़ा जल से करो, अधिक जल से करो, कम धारा से करो, ज़्यादा धारा से करो, ऐसे विकल्प मत करो। अपने भक्ति पर ध्यान रखो, परिणामों की निर्मलता रखो, बस इतना ही ध्यान रखो। नमोस्तुचर श्री मीना जैन दमोह मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रही हैं। हर द्रव्य परिणमनशील है, आलोकाकाश में काल द्रव्य का अभाव होने से उसका परिणमन कैसे होता है? आकाश पूरा अखंड और अनंत और एक है और वह टुकड़े रूप में नहीं है। उपचार से वहाँ काल द्रव्य का सद्भाव कैसे, जैसे एक बांस का डंडा है नीचे ठोकर मारो तो ऊपर भी झन की आवाज़ आती है, इसी प्रकार से लोकाकाश में जो काल द्रव्य है उसके प्रभाव से आकाश अखंड होने के कारण उसमें भी आकाश द्रव्य में भी काल द्रव्य के निमित्त से परिणमन संभव होता है, ऐसा ही आगम में आचार्यों ने बताया है। नमोस्तुचर श्री शशि जैन मौजपुर से अपनी शंका रख रही हैं। देव कितने दिन बाद आहार और सांस लेते हैं? देखिए अलग अलग देवों में अलग अलग इस प्रकार की आहार कितने समय में होगा, श्वास कितने समय में होगा, भवनवासी का अलग है, वैंतर और ज्योतिष का और वैमानिक का। वैमानिक में क्या बताया है, जैसे सात सागर की आयु है तो उतने हजार वर्ष बाद, तो 7000 वर्ष बाद क्या लेंगे, वो अमृत उनका गले से झरेगा, और जो उनकी श्वास जो आएगी वो उतने पक्ष बाद, तो जैसे सात सागर है तो 7 पक्ष मतलब 15 दिन का एक पक्ष होता है, तो 7 पक्ष मतलब लगभग 3.5 महीने हो गए, तो 3.5 महीने में एक बार वो सांस लेंगे, ठीक है ना। तो इसी प्रकार सारे सागरों में ऐसा लगा लेंगे। भवनवासी में कुछ अंतर है और ज्योतिषों और वैंतर में भी कुछ अंतर है, भवनवासी ज्योतिष दोनों का लगभग एक सा है, यह अपना आगम तिल्लोपणति से आपको जान लेना चाहिए। नमोस्तुचर श्री महेश जैन अहमदाबाद गुजरात से अपनी शंका रख रहे हैं। लोग झूठ पर झूठ बोलते हैं और अपनी गलती स्वीकार नहीं करते, तो ऐसे लोगों को कौन से कर्म का आश्रय होगा और क्या पाप लगेगा? झूठ बोलने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनका पाप का फल यही है कि अगले पर्याय में वो गूंगे और बहरे बन जाते हैं। जैसे त्रंच आदि पर्याय में व्यक्ति गूंगे हो जाते हैं, एक इंद्रिय पर्याय में वो बहरे भी हो जाते हैं, कर्ण इंद्रिय आदि भी प्राप्त नहीं होती है, ऐसी खोटी गति को प्राप्त हो जाते हैं।
नमोस्तु चाचरी, निधि जैन छतरपुर मध्य प्रदेश से अपनी संकारक नहीं है, साक्षात भगवान के दर्शन हो तो उन्हें कैसे पहचाने? साक्षात भगवान का जो दर्शन है वो चतुर्थ काल में ही हो सकता है, या तो तीर्थंकरों का या केवली भगवंतों का। जब तीर्थंकर केवली भगवंतों का दर्शन होगा तो वीतराग भगवान तुम्हें दिखाई देंगे, दिगंबर मुद्रा दिखाई देगी, उनकी गंधकुटी, उनका समोसरण, ये बाह्य वैभव, इन सब बाह्य चिन्हों से और अंतरंग चिन्ह जो उनके केवल ज्ञान आदि की दिव्य ध्वनि आदि से उनकी पहचान होगी। नमोस्तुचार्य श्री, शशिकला जैन पुणे महाराष्ट्र से अपनी शंका रख रही हैं, मोक्ष में हवा के जीव रहते हैं, वहाँ पर श्वास ही नहीं तो हवा के जीव कैसे रहेंगे? आगम में जब जीवों का वहाँ अस्तित्व पाया गया है तो उनके जीवन जीने का भी कुछ वहाँ पर अस्तित्व होगा, इसलिए वहाँ पर भी ऑक्सीजन होगी, वहाँ भी श्वास प्रणाली होगी, तो ये आगम का कथन जो है वो झूठ नहीं होता है। नमोस्तुचार्य श्री, भागचंद जी अजमेरा अपनी शंका रख रहे हैं, निगोदिया नार की त्रयंज हम इनको कैसे समझ सकते हैं? देखिए, निगोदिया जो जीव हैं उनको अपन देख तो सकते नहीं हैं, ना अपनी दृष्टि में वो दिखाई में आ सकते हैं, लेकिन जो वनस्पति आदि जो जीव हैं, जो साधारण वनस्पति हैं, जिसको छिन्न भिन्न करने से, अलग करने से, लगाने से और भी वनस्पतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, तो हम समझ सकते हैं उसमें वो निगोदिया जीव हैं। त्रिंज जीव आपको हमको दिखाई देते हैं, कीड़े मकोड़े जानवर आदि, ये सब त्रिंज जीव हैं। नारकी जीव आपको दिखाई नहीं देते हैं, तो आगम से जानना पड़ेगा कि नारकी का स्वरूप क्या है और किस प्रकार का उनका स्वभाव होता है। नमोस्तुचार्य श्री, स्वाति जैन जबलपुर मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रही हैं, लघु प्रतिक्रमण में चलित रस का त्याग करवाया जाता है, तो यहाँ चलित रस का क्या तात्पर्य है? जो रस विहीन हो गए हैं, मतलब वो स्वाद विहीन हो गए हैं, जैसे जो मीठा है, मीठा का स्वाद समाप्त हो गया हो, मतलब वो स्वाद से, जैसे घी है तो घी का अपना स्वाद ख़त्म हो गया हो, तो इस प्रकार से जो रस पुराने हो गए हैं, बहुत दिनों के हो गए हैं और वो रस विहीन हो चुके हैं, बेस्वाद हो चुके हैं, तो वो चलित रस होते हैं, उनको ग्रहण नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें जीव की उत्पत्ति हो जाती है। नमोस्तुचार्य श्री, अभय जैन बैंक क्लिप दिल्ली से अपनी शंका रख रहे हैं, निरत्ति और निकाचित कर्मों में क्या अंतर है? क्या श्री जी के अभिषेक करने से इन कर्मों का उपशम होता है या क्षय भी होता है? देखिए, हमारे जो समस्त कर्म हैं उन समस्त कर्मों का एक निरत्ति और निकाचित नाम का भी कर्म होता है। सर्व कर्म प्रगतियों में निरत्ति और निकाचित घटित होती है। देखिए, निरत्ति और निकाचित कैसे कहते हैं, जहाँ पर उदीर्णा और संक्रमण संभव हो वो निधत्ति है, जहाँ उत्कर्षण और अपकर्षण ना हो, कर्म का अनुभाग बढ़ जाना और घट जाना ऐसा ना हो, लेकिन संक्रमण हो जाए, उदीर्णा में लाया जा सके, उसे निधत्ति कर्म कहते हैं। निकाचित कर्म ऐसा है जैसे उदीर्णा में ना ला जा सके, संक्रमण भी ना किया जा सके, उत्कर्षण भी ना किया जा सके और अपकर्षण भी ना किया जा सके, कर्म जैसा है वैसा ही भोगना, उसे निकाचित कर्म कहते हैं। तो इस प्रकार से निधत्ति और निकाचित कर्म में इस प्रकार से अंतर है। और इन कर्मों का आचार्य ने कहा है, भक्ति के माध्यम से, जिनेन दर्शन के माध्यम से इन्हें क्या किया जा सकता है, इनका उपशम भी और इनका क्षय भी किया जा सकता है। जब श्रेणी में चढ़ते हैं तो इन कर्मों का उपशम भी हो जाता है और छपक श्रेणी वाला जो जीव है इन कर्मों का क्षय करते हुए भी आगे बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से आचार्यों की यही व्यवस्था इससे निरत्ति और निकाचित के लिए मिलती है। सभी स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। आगम धारा शंका समाधान निरंतर पारस चैनल पर प्रसारित हो रहा है, जिसके पुण्यार्जक बनने का लाभ आप सब प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी राशि एक दिन के लिए 2100 रुपये और एक महीने के लिए 11000 रुपये की राशि रखी गई है। आप नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपका नाम पारस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। जय जिनेन्द्र।